हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हम सफ़र एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन का पूरा नाम है अजमेर रामेश्वरम। हम सफ़र एक्सप्रेस की ट्रेन की जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अजमेर राजस्थान से रामेश्वरम तमिलनाडु तक चलने वाली हम सफ़र एक्सप्रेस के बारे में। इसे अजमेर रामेश्वरम हम सफ़र एक्सप्रेस भी कहते हैं और इस ट्रेन का नंबर है 19603। अजमेर जंक्शन से ये ट्रेन जो है हर इतवार को रात के 9:35 पर चलती है और रामेश्वरम में ये मंगलवार को सुबह 3:15 पर पहुंचती है। और ये जो ट्रेन है 53 घंटे 40 मिनट पर अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं और 2790 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 52 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इस हमसफ़र एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें सिर्फ थर्ड एसी के कोच होते हैं। हमसफ़र एक्सप्रेस में थर्ड एसी के कोच का जो किराया है इसमें डायनेमिक प्राइस या फ्लेक्सी फेयर लागू होता है। तो मिनिमम प्राइस जो है वो है 2565 रुपये और मैक्सिमम जो है वो 3850 रुपये तक जाता है। ये प्राइस जो है बुकिंग के दौरान कम या ज़्यादा होता रहता है। तो आप बुकिंग के रेलवे टिकट काउंटर पे या रेलवे की वेबसाइट पे जाकर जरूर चेक कर लें। इसके अलावा इस हमसफ़र एक्सप्रेस में पैंट्री कार यानी कि रसोईयन कक्ष की फैसिलिटी भी साथ में है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अजमेर रामेश्वरम हमसफ़र एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। अजमेर रामेश्वरम एक्सप्रेस जो है अजमेर राजस्थान से हर शनिवार को रात के 9:35 पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं रामेश्वरम तमिलनाडु तक। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है भीलवाड़ा। यहाँ पर ये ट्रेन जो है रात के 11:35 पर पहुँचती है और 11:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चित्तौड़गढ़ में पहुँचती है। चित्तौड़गढ़ में ये ट्रेन जो है रात के 1:28 पर पहुँचती 1:23 पर पहुँचती है और 1:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। सॉरी उसके बाद ये नीमच मध्य प्रदेश में रात के 2:31 पर पहुंचती है और 2:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अजमेर रामेश्वरम हमसफ़र एक्सप्रेस जो है वो मंडसौर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 3:12 पर और 3:14 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रतलाम जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:40 पर और 4:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फतेहाबाद चंद्रवटीगंज जंक्शन में सुबह 6:04 पर पहुंचती है और 6:06 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लक्ष्मीबाई नगर में पहुंचती है सुबह 6:40 पर और 7:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर इसका इंजन भी चेंज होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है देवस जंक्शन में पहुँचती है सुबह 8:06 पर और 8:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। देवस जंक्शन के बाद ये मक्सी जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:10 पर और 9:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। भोपाल जंक्शन में ये 11:35 पर पहुंचती है और 11:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन में दोपहर के 1:35 पर पहुँचती है और 1:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन बैतूल में दोपहर के 3:30 पर पहुंचती है और 3:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये हमसफ़र एक्सप्रेस जो है महाराष्ट्र में नागपुर जंक्शन में शाम के 7:15 पर पहुँचती है और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। सेवाग्राम जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 8:40 के करीब पहुँचती है और 1 मिनट बाद उसके बाद ये ट्रेन जो है चंद्रपुर में पहुँचती है रात के 10:38 पर और 10:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। बलहरशाह जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11:10 पर पहुँचती है और 11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और ये महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन है इस ट्रेन का। उसके बाद अजमेर रामेश्वरम हमसफ़र एक्सप्रेस जो है वो तेलंगाना के वारंगल स्टेशन में पहुँचती है 2:18 पर रात को और 2:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जंक्शन में सुबह 6:25 पर पहुंचती है और 6:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नेल्लोर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:28 पर और 10:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद अजमेर रामेश्वरम हमसफ़र एक्सप्रेस जो है वो गुड्डूर जंक्शन
आंध्र प्रदेश में पहुंचती है सुबह 11:18 और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और ये हम सफर एक्सप्रेस का आंध्र प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तमिलनाडु में चेन्नई इग्मोरे में पहुंचती है 2:07 और 2:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर इसका इंजन भी चेंज होता है। उसके बाद अजमेर रामेश्वर हम सफर एक्सप्रेस जो है वो चेंगलपट्टू जंक्शन में पहुंचती है। चेंगलपट्टू जंक्शन में 3:18 पे पहुंचती है, 3:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। विल्लुपुरम जंक्शन में ये शाम के 4:55 पे पहुंचती है और 5 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। और अजमेर से विल्लुपुरम जंक्शन की जो दूरी है वो 2342 किलोमीटर की ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन हम सफर एक्सप्रेस जो है अरियलूर स्टेशन में पहुंचती है 6:28 पे और 6:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है त्रिचुरापल्ली जंक्शन में पहुंचती है। त्रिचुरापल्ली जंक्शन में ये ट्रेन जो है 8:25 पे पहुंचती है और 8:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अजमेर रामेश्वरम हम सफर एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन मन्नामुदुरई जंक्शन में पहुंचती है 12:25 पे और 12:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अजमेर रामेश्वरम हम सफर एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन रामेश्वरम तमिलनाडु में 3:15 पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। अजमेर से रामेश्वरम की जो दूरी है ये 2780 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये हम सफर एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका।